सो फ्रेंड्स, आपने तो गर्मियों के मौसम में खूब सारा आइसक्रीम, चुस्की, चॉकलेट बार खाया होगा। तो कुछ हेल्दी बनाते हैं, वो भी ठंडा ठंडा। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए मैंने अक्षय कल्पा का ऑर्गेनिक कर्ड लिया है, जो कि प्योर एंड ऑर्गेनिक मिल से बना है। इसका हम अभी हंकड़ बना देंगे। तो एक मसलिन क्लॉथ में मैं इसको डाल दे रही हूँ। 6 से 7 घंटा हम इसको रखेंगे। देखिए कैसे पानी ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है। खूब अच्छे से हमारा ये हंकड़ बन गया। इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसी ब्रांड का रॉ हनी दिया है, जो कि प्योर है। तो इसके लिए आपको और कोई स्वीटनर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से मिला देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ठंडा ठंडा आपको चॉकलेट बार का एक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसमें मैंने खूब सारा ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, मैंगोस डाला है। आप अपने मनपसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मैंने एक सिलिकॉन मोल्ड में फैला दिया है। और इसको एक कलरफुल लुक देने के लिए मैंने इसमें मैंगो प्यूरी डाला है। तो कितना सुंदर दिख रहा है, देखिए। अपने मनपसंद का इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए और इसको हम लोग 6 से 7 घंटा डीप फ्रीज में रख देंगे। मैंने यहाँ पे अपने पसंद का ग्रेप्स और राइप मैंगो डाले, आप अपने पसंद का डालिए। तो देखिए 6 से 7 घंटे के बाद कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। और सिलिकॉन मोल्ड में डालने की वजह से ये अच्छे से डीमोल्ड भी हो गया। बस ये हमारा बन गया। आप अपने मनपसंद का इसको सेव कीजिए और इसका मजा लीजिए। तो गर्मियों का छुट्टियाँ एंजॉय कीजिए।